दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ में हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है उसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स गिनाए आपने। ये सर्वदलीय बैठक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार अपने काले चेहरे को छुपाने का एक बहाना मात्र है। और जिन घोटालों की हम बात कर रहे हैं वो सारे घोटाले दिल्ली की जनता को लूटने के लिए किए गए थे। अरविंद केजरीवाल को उन घोटालों पर बैठक बुलानी चाहिए थी। कौन कौन से घोटालों की बात कर रहे हैं? खास तौर पर अभी ईडी का भी मामला चल रहा है और पिछले काफ़ी सारे घोटालों की बात आपने की। आपको बताया, शराब नीति का घोटाला है, जल बोर्ड का घोटाला है, बिजली घोटाला है, डीटीसी घोटाला है, पैनिक बटन घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, या तो वक्फ बोर्ड घोटाला है। यहाँ घोटालों की लाइन है भाई। अरविंद केजरीवाल अपने आप में घोटाला है तो उस पर चर्चा करते तो हम भी चलते। जो ईडी समन भेज रही है उसको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो है रणनीति है वो हमको फंसाना चाहते हैं, साजिश है। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच एजेंसी अपना काम नहीं करती। घोटाला आपने किया तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जो बैठक होने वाली है उसमें 3-4 का रेशियो बन रहा है कि कांग्रेस और उनके बीच में जो है तो सीटें बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस बार एक भी सीट नहीं है, ऐसी दिल्ली से हमका दावा है। दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटें हारेगा। उनके गठबंधन से हमारी एनडीए को फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। केजरीवाल जी का कहना है कि जैसे विधानसभा में भाजपा तरस रही थी सीटों के लिए वैसे ही लोकसभा में होगा। केजरीवाल को 2014 का रिजल्ट याद दिलाना चाहिए, 2019 का दिलाना चाहिए, 2024 का फिर रिजल्ट दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जो पिछले रिजल्ट हैं लोकसभा चुनाव का, जो पिछला रिजल्ट है या फिर 2014 का जो रिजल्ट है, उन रिजल्ट को देखकर आंकड़ा लगा लीजिए कि दिल्ली के इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जो सीटें हैं उनके उनमें क्या रेशियो होगा भारतीय जनता पार्टी के सीटों का। जो भी गठबंधन है वो गठबंधन अब हारने की अपनी समय सीमा और नंबर्स गिन रहे हैं, ऐसा कहना है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का। कैमरा पर्सन विनोद के साथ नवोदय टाइम्स के लिए सुनील सुधाकर पांडे।